Subscribe to my channel Moto Mentor and don't forget to hit the bell icon to receive the latest updates. Hello and welcome back to another episode of Moto Mentor. Alright guys, I hope you all are doing well. और जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा गाइस कि डिस्क पैड्स कितने नॉइजी हो गए थे, डिस्क पैड से नॉइज़ आ रही थी और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं इसका फिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। सो हियर वी गो गाइस, इस वीडियो में हम इस डिस्क पैड्स का इशू रिजॉल्व करने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। इसके साथ साथ गाइज मैं आपको बताऊंगा कि क्या कॉमन रीजंस होते हैं डिस्क पैड्स नॉइज के। सो टॉप 5 रीजंस विच आई एम गोना शेयर विद माय एक्सपीरियंस। ओके, देयर मे बी अदर रीजन एज वेल। सो इफ आई मिस आउट ऑन समथिंग आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइज 5 ऐसे रीजंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि उस वजह से आपके डिस्क पैड्स में से नॉइज आती हो। सो गाइज सबसे पहला कॉमन रीज़न है मडी एंड डस्टी डिस्क पैड। अगर आपके डिस्क पैड्स के ऊपर काफ़ी सारा मड या डर्ट जमा हुई हो, ड्राई या फिर वेट, ओके, जिसके वजह से भी इसमें काफ़ी सारी आवाज़ आती है। सो मेक श्योर दैट यू प्रॉपरली क्लीन योर डिस्क एंड द डिस्क पैड्स। सेकेंड रीज़न कुड बी योर डिस्क जैम। सो गाइज देर आर मल्टीपल रीजन्स फॉर डिस्क जैम। डिस्क जैम के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक कॉमन रीजन होता है कि आप अगर रेगुलर इंटरवल पे आपका डिस्क ब्रेक ऑयल चेंज नहीं कर रहे हो, देन इट बिकम स्लजी, उसमें गट्टे जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट होती है। एंड इफ़ द ब्लॉकेज इज गेटिंग क्रिएटेड, ओके, आपका पिस्टन ठीक से काम नहीं करता है, तो हो सकता है कि आपका पिस्टन तो पुश हो रहा है लेकिन वो बैक वापस आ नहीं रहा हो। सो इसके वजह से आपका डिस्क जैम हो सकता है। थर्ड रीज़न इज डिस्क पैड वॉर्न आउट। सो आपके जो डिस्क पैड्स होते हैं गाइस, वो हो सकता है कि काफ़ी सारा घिस चुके हैं और अभी आपको डिस्क पैड बदलने की ज़रूरत है। सो ऐसे सिचुएशन में आप अपने डिस्क पैड्स निकाल के चेक कर सकते हो कि उसका थिकनेस अगर लो हो चुका है, अगर वो काफ़ी पतले हो चुके हैं। सो आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ गो एंड चेंज दी डिस्क पैड्स। Fourth reason guys is not that common, but still I wanted to include that in this video. So guys, एक वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब के ऊपर। इस बंदे के पास बजाज डोमिनर थी एंड ही रिसेंटली आई गेस दैट यू नो गेव दैट बाइक टू अ सर्विस सेंटर या कहीं से तो भी शायद उसने रिपेयर करवाया होगा। नाउ हुआ ये कि गाइज उसका जो डिस्क इटसेल्फ वाज वेरी लूज, सो इट्स क्वाइट डेंजरस गाइज, बहुत ही डेंजर चीज़ होता है ये। अगर आपने रिसेंटली नई गाड़ी खरीदी हो या फिर आपने कहीं से सर्विस कराया हो, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ विदाउट यू नो इंस्पेक्टिंग बाई योर सेल्फ डू नॉट एक्सेप्ट दैट बाइक। आप एक बार खुद से चेक कर ले कि यार ये बंदे लोग ने सही काम किया है या नहीं, ओनली आफ्टर दैट यू एक्सेप्ट द बाइक। अदरवाइज वही के वही फॉल्ट रूल आउट कीजिए एंड आस्क देम टू गेट दैट फिक्स। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द फिफ्थ पॉइंट विच इज द सपोर्ट पैड। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक और मुद्दे की बात पे आते हैं और देखते हैं कि ये सपोर्ट पैड होते कहाँ पे है, इसका फंक्शन क्या होता है और इसे कैसे रिप्लेस करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें डिस्क कैलिपर को हमारे फोक से अनमाउंट करना होगा। तो वीडियो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो आप इसे प्लीज़ चेक कर लीजिए एक बार। राइट, सो आप देख सकते हो गाइज इस डिस्क पैड का ओवरऑलिंग करके इट्स नॉट इवन 2 वीक्स, 2 हफ्ते भी नहीं हो चुके, बट यू सी द कंडीशन, इट्स रेनी सीजन राइट नाउ और ऐसे में आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है डिस्क ब्रेक्स को लेके। सो आप देख सकते हो कि काफ़ी डर्टी हो चुके हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हमें इस पैड पे से ये पिन निकालनी होगी। इसे जस्ट स्लाइड करके आप निकाल लीजिए। आई ऑलरेडी परचेस न्यू 2 पिन्स फॉर दिस और ये स्लाइडिंग पिन भी आप निकाल लीजिए। ओके, इसके बाद हमें डिस्क पैड जो है ऑटोमेटिक निकल आएंगे एंड देयर यू गो गाइस, दैट्स द कल्प्रिट। आप देख रहे हो, यस दिस इज द डिस्क पैड सपोर्ट।
So let me give you a closer look. अगर आप इसे नजदीक से देखो guys, okay? This thing is not flat. अभी ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा flat है. This is not supposed to be flat, okay? So we'll compare this with the new one which I have already purchased. मैंने एक नया खरीद चुका हूँ और उस नए को हम इस old से compare करके देखेंगे कि दोनों में difference क्या है. So guys, this is how it comes with the new pack. राइट इसकी कीमत मैं आपको बता देता हूँ अभी. आई बॉट दिस फॉर ₹31. 31 में मुझे ये मिला यामाहा के सर्विस सेंटर से. आई ऑलवेज परचेज थिंग्स फ्रॉम द ऑथोराइज सर्विस सेंटर इट्सेल्फ. सो इफ़ यू हैव एनी अदर बाइक, अगर आपके पास कोई और बाइक हो कोई और कंपनी की लाइक सुजुकी या फिर बजाज, मेक श्योर कि आप उनके ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही प्रोडक्ट खरीदें. बिकॉज यू नेवर नो यार, क्योंकि आजकल मार्केट में काफ़ी सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आ चुके हैं. सो आई डोंट ट्रस्ट एनी अदर यू नो शॉप. आई ऑलवेज परचेज थिंग्स फ्रॉम द शोरूम इट्सेल्फ. Alright guys, so you can easily make out the difference. What I'll do is I'll compare both. तो हम पुराना वाला और नया वाला will compare both the things and we'll find out what the difference is between. So here we go guys. In this picture which I have taken, we can have a closer look and you can easily make out the difference between the old and the new one. So here we go. I've got another photo. And this will give you a very clear picture. आप left side वाला देखोगे जो पुराना है, it has gone, you know, too flat. और ऐसा नहीं कि मैंने इसको bend and twist करके इसे use करने की कोशिश नहीं की हो. I tried it a couple of time, but होता ये था कि every time it used to work for few kilometers. कुछ kilometers के बाद ये फिर से problem देना start करता था. So that's the reason why I decided to get this thing changed. सो गाइस, जैसे हमने इसे निकाला था उसी तरह की से हम इसे फिक्स करेंगे. अब देख सकते हो कि इस पर काफ़ी सारा रस्ट आ चुका है. आई हैव टू ल्यूब्रिकेट इट. येस, आई एम गोइंग टू डू अ रीबिल्ड ऑफ दिस कैलिपर. सो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको इसका रीबिल्ड फिर से देखना है क्या. रीबिल्ड इन द सेंस आई एम गोइंग टू रीपेंट द एंटायर थिंग टू गेट दिस यू नो इन टू अ न्यू लुक. सो वो भी मैं आगे सोच रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ. बट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. सो देयर यू गाइज, आई हैव फिक्स्ड दिस सपोर्ट पैड प्रॉपरली. यहाँ पे एक एरो होता है, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी इट और नॉट. ओके, मेक श्योर दैट यू प्रॉपरली फिक्स इट द वे इट इज शोन इन दिस वीडियो. ऑलराइट, सो नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस द डिस्क पैड्स. ओके, सो डिस्क पैड्स हमें यहाँ पे लगा लेना है. And then we will put in the clips and the clamps and we are going to refit it to the fork. Fork pe fit hone ke baad then we'll go for a ride and we'll do the testing. और गाइस, ये अभी से ही मुझे डिफरेंस पता चल रहा है. आप देख रहे होंगे कि यार इसे पिन लगाने में मुझे थोड़ी ताकत लग रही है. प्रीवियसली इट वाज नॉट लाइक दैट, वो काफ़ी लूज था. एंड नाउ आई कैन लिटरली फील द डिफरेंस द मोमेंट आई कनेक्टेड दिस पिन. पिन को लगाने से ही डिफरेंस पता चलता है. और आप देख रहे होंगे कि ये लूज भी नहीं है. पैड्स दोनों ही प्रॉपरली बैठे हैं विदाउट मेकिंग एनी नॉइज. गाइज, वन मोर थिंग, एज यू कैन सी दैट दीज आर द पिन्स विच आई परचेस्ड. ये भी मैंने यामाहा से खरीदे. आई बॉट इट अप्रॉक्सीमेटली फॉर ₹5. ₹5 में एक पिन मिला है शायद. सो इफ़ यू हैव लॉस्ट एनी ऑफ द पिन, यू कैन गो टू द ऑथोराइज सर्विस सेंटर और सर्विस सेंटर में से आप ये खरीद सकते हो. सो लेट मी क्विकली गो एंड गेट दिस फिक्स्ड एंड देन वील चेक आउट द डिफरेंस. One more thing guys, I have already made few videos on this particular topic, like how to change the disc pads, how to bleed the disc brake oil. So ye do videos already maine bana chuka hu, jiska link main aapko is video ke description mein de dunga. To aap wahan se wo videos dekh sakte ho. Alright guys, so there you go, we have fixed the caliper. And you can see the difference. आप देख सकते हो difference. मैं इसे हलाने की कोशिश कर रहा हूँ but this thing is it's quite stuck. ये properly बैठ चुका है, properly fix हो चुका है. जो noise आ रहा था पहले, हमें वो noise नहीं सुनाई दे रहा है. अब देख सकते हो कि ये जगह पे से हल ही नहीं रहा है. So this is how it's supposed to be, okay? And you can do this by yourself if you are facing the same problem. अगर आपको भी इसी तरीके की दिक्कत आ रही है तो आप इसे फिक्स कर सकते हो. तो ये लेफ्ट राइट आप देख सकते हो, इसे ऐसे ही स्लाइड होना है क्योंकि हम जब भी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये लेफ्ट एंड राइट मूव होता है. ये पुश करता है
disco, and then it comes back to its original place. So this is how it's supposed to be. एक बार मैं आपको पुराने वीडियो और नया वीडियो ये जो है दोनों का डिफरेंस दिखा देता हूँ. Alright folks, so finally we got the issue fixed. जो noise आ रहा था इसका हमने troubleshooting करके issue finally fix हो चुका है. So ये काम आप भी घर पे कर सकते हो guys. It's quite easy. Just check out this entire video before you just proceed with the work. और guys आपको ये video पसंद आया तो please इसे like कीजिए, आपके friends के साथ इसे share कीजिए and do subscribe to my channel if you are new to it. And hey, thank you for watching Moto Mentor. You all have a lovely day ahead. Take care.